एक के बाद एक ऐसी खबरें जो दिल को दहला देंगी, एक के बाद एक ऐसे समाचार जो आपको डरा देंगे, क्योंकि बढ़ रहा है क्राइम और वो भी आप तक पहुंच रहा है। तेलंगाना में पहले एक व्यापारी का अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जी हां, महबूब नगर जिले के ये व्यापारी हैं जो 55 साल के हैं, रामचरण रेड्डी हैं, जो रियल एस्टेट का व्यापार करते थे। पहले उनका अपहरण किया गया, इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। रामचंद्र रेड्डी जड़चला में पेट्रोल पंप के साथ रियल एस्टेट का कारोबार करते थे और फारूक नगर मंडल के अन्नारम में उनकी खेती भी है और वहां भी आया जाया करते थे। कुछ विवाद चल रहा था उनके पड़ोसियों के साथ और इसी विवाद को लेकर शादनगर थाने में मामला भी दर्ज है। वहीं इसी विवाद को हल करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, इसी के लिए ये व्यापारी निकला था और कार ड्राइवर उनके साथ था दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के पास। वहां कई लोग आए और कार में बैठ गए, बातचीत करते समय झगड़ा हुआ। इसके चलते बदमाशों ने अपने साथ लाए चाकू से उनको जान से मारने की धमकी दी। ये सब कुछ देखकर डर कर ड्राइवर भाग गया। बदमाशों ने उनका अपहरण किया, ले गए और उसके बाद ये हत्या कर दी गई। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत उनके सेल फोन को ट्रैकिंग के आधार पर पकड़ा और उनकी स्थिति का पता लगाया। रामचंद्र रेड्डी को कोतूर मंडल के पेजरला के पास पाया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर शमशाबाद के DSP प्रकाश रेड्डी और SP सुरेंद्र ने घटनास्थल का दौरा किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।